जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, ठीक है। पर्यावरण की अपनी रोज कक्षा होती है, जहां पर हम विस्तृत अध्ययन भी करते हैं और प्रैक्टिस भी। उसी प्रकार से हम सबसे पहले इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार के बाद आपसे जो है प्रश्न अभ्यास भी करेंगे, जिससे आपका जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपको हमारे जो इंस्टाग्राम है उससे जुड़ना है, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है। व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है, और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश होता है, जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है, और साथ ही वह पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। यही परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव है, प्रकृति का जो प्रत्येक जीव है उसका एक परिवेश होता है, जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रिया करता है और साथ ही वह पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। यही परिवेश क्या कहलाता है? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। मानव निर्मित साधन ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने व्यवहार कौशल से कृत्रिम रूप में बनाया है। दोस्तों, जो प्राकृतिक साधन है उनको मानव ने हस्तक्षेप करके अपने व्यवहार के अनुकूल कौशल से क्या कर दिया है? कृत्रिम बना दिया है। वो क्या हो गए? मानव निर्मित साधन हो गए। मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अंतर्गत मानव की वे सभी क्रियाएं आती हैं जो उसके द्वारा दैनिक जीवन में संपादित की जाती हैं। ये सभी क्रियाएं मानव कृत्रिम व प्राकृतिक साधनों के माध्यम से करता है, ठीक है। इस प्रकार एक कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण होता है, कृत्रिम पर्यावरण का, ठीक है, जिसे मानव पर्यावरण कहते हैं। इस मानव निर्मित पर्यावरण के कारण पदार्थों और ऊर्जा की अत्यधिक खपत होती है। इसके रखरखाव, देखभाल और प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप द्वारा जो है जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित या फिर कृत्रिम वस्तुएं बोलने लगती हैं, ठीक है। वनों की कटाई एवं प्रभाव देखो तो बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण तथा उपभोक्तावाद के कारण जंगलों को भारी मात्रा में काटा जा रहा है। वनों की कटाई मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जंगलों में की जा रही है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि, लकड़ी ईंधन की बढ़ती मांग, टिम्बर व कृषि आधारित उद्योगों के लिए बढ़ते हुए कच्चे माल, शहरीकरण आदि के कारण वन क्षेत्र क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। तो इसका प्रभाव वनों की कटाई एवं इसका प्रभाव, वनों की कटाई के प्रभाव देखो, बाढ़ और सूखा, मिट्टी का कटाव मिट्टी के प्रवाह को बढ़ाता है, जिसके कारण बाढ़ और सूखा का विशिष्ट चक्र शुरू होता है। पहाड़ी ढलानों पर जंगलों को काटना मैदानों की ओर नदियों के प्रवाह को रोकता है, जिसका पानी की दक्षता पर असर पड़ता है, फलस्वरूप पानी तेजी से नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर यही है कि देखो, वनों की कटाई से जो प्रभाव पड़ रहा है वो बाढ़ भी आ रही है, और क्या हो रहा है? सूखा की भी स्थिति बन रही है। वनों की कटाई की वजह से भूमि का क्षरण होता है, क्योंकि वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा तेजी से बढ़ती वारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नतीजतन नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वनों की कटाई का प्रभाव सभी लोगों को पता है कि मानव के हस्तक्षेप के कारण वनों की जो कटाई होती है उसके कारण बाढ़ भी बढ़ रहा है, सूखा की भी स्थिति बन रही है, मृदा का अपरदन भी अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण जो है नदियों में बाढ़ भी आ रही है, ठीक है। और भी देखते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की हानि हो रही। क्या हो रही? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की हानि। जब ईंधन की मात्रा पर्याप्त तो हो जाती है तो गाय का गोबर और वनस्पति अवशेषों को ईंधन के रूप में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस वजह से पेड़ों के हर हिस्से को धीरे धीरे इस्तेमाल में लिया जाता है, परंतु मिट्टी को
पोषण नहीं मिल पाता। बार बार इस क्रिया को दोहराने से मिट्टी की उत्पादकता क्या होती है, प्रभावित होती है, जिससे मिट्टी उर्वरता के क्षरण का कारण बनता है। ठीक है, वनों की कटाई के साथ जमीन के ऊपर उपजाऊ मिट्टी बारिश के पानी से उन जगहों पर बह जाती है जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। वायु प्रदूषण वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर है। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहां पेड़ों की कमी होती है वहां हवा प्रदूषित हो जाती है और शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा है। शहरों में लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया दोस्तों यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो वायु क्या हो जाएगी, प्रदूषित होगी, और प्रदूषित होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग आएंगे, और रोग आएंगे तो बहुत ही महामारी फैलेगी, है ना। तो इस प्रकार से विलुप्त होती प्रजातियां, वनों के विनाश के कारण वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों आवास में, जब हम आवास पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे वनों का विनाश हो रहा है तो जो वन्य जीव होते हैं उनके आवास भी क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। और जब आवास विलुप्त हो रहे हैं तो ये वन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। कई प्रजातियां गायब हो गई, जैसे एशियाटिक चीता, है ना, नाम दफा उड़ान गिलहरी, हिमालयी भेड़िया, एलबिरा चूहा, निकोबार चिड़िया आदि और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है, इनके आवास, इनके आवास क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और जो है वन की कटाई के कारण जो है जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जो जीवन है जीव जंतुओं का वो संकट में है, और संकट में है तो जो इनकी प्रजातियां हैं वो क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, देखो वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जंगलों के घटते क्षेत्र, साथ बारिश भी अनियमित हो रही है। इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है जिससे मनुष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रेगिस्तान के फैलाव, जंगलों के क्षेत्र में निरंतर कमी और भूमि के क्षरण के कारण रेगिस्तान एक बड़े पैमाने पर फैल रहा है। जल संसाधन में कमी, आज नदियों का पानी उथला, कम गहरा और प्रदूषित हो रहा है क्योंकि उनके किनारों और पहाड़ों पर पेड़ों और पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस वजह से अपर्याप्त वर्षा होती है जिससे जल स्रोत दूषित हो रहा है और पर्यावरण भी क्या हो रही है, प्रदूषित और सांस लेने में घातक साबित हो रही है। तो जल संसाधन में भी कमी हो रही है, रेगिस्तान का फैलाव भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी काय के कारण है, वनों की कटाई के कारण है। ठीक है, जो कि मानव के हस्तक्षेप के कारण ये वनों की कटाई हो रही है। कहीं ना कहीं वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं, और प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं तो वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो ये जो वन्य जनजाति हैं, वन्य जीव जंतु हैं, इनकी प्रजातियां खतरे में हैं। ठीक है, शहरीकरण, विकासशील और विकसित देशों में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छी साफ सफाई, अच्छे निवास और व्यवसायिक अवसरों को तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करती है। शहरीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कई सारी आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर से शहरीकरण शहरों और गांव की उस वृद्धि को दिखाता है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर अच्छे जीवन की तलाश में जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में विश्व भर में शहरी जनसंख्या में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए शहरीकरण को कस्बों और शहरों में लोगों की प्रगतिशील वृद्धि के कारण के रूप में भी देखा जा सकता है। अब दोस्तों जैसे शहरीकरण की बात होती है तो गांव से अगर जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करेगी तो शहरों की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, जनसंख्या का दबाव शहरों पर बढ़ेगा। अब जब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक शहरीकरण भी एक कारण होगा। ठीक है, और शहरीकरण आज के दौर में विश्व भर में आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कम साधन होते हैं, है ना, किसानी के अलावा और भी ऐसे साधन नहीं होते जिससे लोगों का जो जीवन है वो व्यवस्थित हो सके और अच्छा जीवन जी सके। इसलिए लोग क्या करते हैं कि शहरों की ओर पलायन करते हैं, और जब पलायन करते हैं काम की तलाश में, और जब उन्हें काम मिल जाता है तो शहरों में ही निवास करने लगते हैं।
तो शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि दोनों एक दूसरे से क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं। किसी देश की आर्थिक तरक्की उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाती है। शहरीकरण की प्रक्रिया कुछ औद्योगिकरण शहरी केंद्रों के क्रमिक विकास के साथ साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की बची हुई आबादी के स्थानांतरण पर निर्भर करती है। ठीक है, बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या है पारिस्थितिकी? जीव समुदायों तथा उसके वातावरण, जीव समुदाय हैं और उनके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, है ना। पारिस्थितिकी के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना की जानकारी हमें मिलती है। पारिस्थितिकी को पर्यावरणीय विज्ञान भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ था वो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकेल ने अपनी पुस्तक जो है आपको याद रख लेना है। अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय विज्ञान कहा जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द जो है या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हेकेल ने किया, ये चीज भी याद रखनी है। कौन सी पुस्तक में किया है? जर्नल जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें किया है इन्होंने, किसने? अर्नेस्ट हेकेल साहब ने किया है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आपके निश्चित ही बनेंगे, ठीक है, कि पारिस्थितिकी को क्या कहा जाता है और क्या क्या कहा जाता है। तो पर्यावरणीय विज्ञान कहा जाता है इसका। पारिस्थितिकी शब्द या इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो 1966 में किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकेल साहब ने किया है, ये चीज भी याद रखनी है। पारिस्थितिकी संतुलन की अगर बात करें तो मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंधों के संदर्भ में पारिस्थितिकी संतुलन की बात आती है। मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव प्रकृति पर हमेशा सकारात्मक ही नहीं पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक समुदाय की एक इकाई है जो जैविक भौतिक तथा रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। जैव विविधता में क्षति के कारण परिवर्तनों के साथ मनुष्य के तालमेल बैठाने अथवा संतुलन पैदा करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। जागरूकता की कमी के कारण संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया और कठिन होती है। दोस्तों आपको पता है कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता आपको बताना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, कमेंट में सभी लोग लिखेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और जैव विविधता में क्षति के कारण परिवर्तनों के साथ मनुष्य के तालमेल बैठाने अथवा संतुलन पैदा करने की क्षमता में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि जहां पर सघन वन होंगे, जहां पर वनों की आबादी अधिक होगी, वहां पर जैव विविधता भी अच्छी होती है, ठीक है, जीवों की विविधता भी अच्छी होती है। और जो वहां का पारिस्थितिक तंत्र होता है वनों का, वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जैव विविधता में क्षति अगर हो रही है और इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसी के साथ मनुष्य के तालमेल बैठाने अथवा संतुलन पैदा करने की क्षमता में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। जागरूकता की कमी के कारण संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया और कठिन होती जा रही है। वनों की कटाई तथा शहरीकरण का पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण का पारिस्थितिकी संतुलन पर क्या प्रभाव है, इसको देखेंगे। वनों की कटाई तथा शहरीकरण पारिस्थितिकी संतुलन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रहा है, ठीक है, किस रूप में? प्रतिकूल रूप में। कैसे कर रहा है प्रतिकूल रूप में? वन एक श्रेष्ठ पारिस्थितिकी जीवन तंत्र है, सभी को पता है। वनों की कटाई से पारिस्थितिकी असंतुलन का जो है खतरा बढ़ रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर औसतन 33% वृक्ष जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दोस्तों आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर औसतन जो कितने वृक्ष जरूरी है, कितने प्रतिशत वृक्ष होना जरूरी है? तो आपका उत्तर होगा 33% वृक्ष होना जरूरी है। भारत में वनों का यह अनुपात कितना है? 24.8% है। शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि ने भी पारिस्थितिकी असंतुलन को बढ़ाया है। वनों के विनाश द्वारा न केवल वनस्पति का शोषण कर रहा अपितु क्षेत्रीय जलवायु को भी परिवर्तित कर रहा है। जब वनों का विनाश होगा, तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। वायु प्रदूषण जब बढ़ेगा तो निश्चित ही जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जलवायु में परिवर्तन होगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की महामारी, बाढ़ जैसी और सूखा जैसी महामारी जो है फैलेगी। तो निश्चित ही वनों के विनाश से और जनसंख्या के शहरीकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। बड़े बांधों के निर्माण से भी
भू संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हुआ है। जनसंख्या वृद्धि की दर ने अनेक देशों के पर्यावरण को प्रभावित किया है। शहरों में आवास की समस्या, अपशिष्टों के निष्पादन में कमी तथा स्वच्छता के अभाव का असर भी पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में सामने आता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के दुष्परिणाम, बाढ़, सूखा, जल की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का लगातार संकुचित होना इत्यादि प्रमुख हैं। वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी भू स्खलन जो है प्रमुख है ना, भू स्वत्वपन। पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रमुख जो प्रभाव है वो खाद्यान्न तथा अन्य फसलों की उत्पादकता में कमी के रूप में सामने आ रहा है। ओजोन क्षय देख लेते। ओजोन क्षय, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं तो मध्य मंडल के पास जो समताप मंडल है या फिर आपका ओजोन मंडल जिसे भी कहा जाता है वो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल। ठीक है, तो दूसरी जो परत होती है ना, वो कौन सी होती है? समताप मंडल, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, और यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण गैस है जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी का कारगर बचाव करती है। ओजोन परत का यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है, लेकिन ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल में 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ठीक है, इस ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर्य विकिरण की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत में सूर्य की 90% पराबैंगनी किरणें क्या करता है? अवशोषित करता है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो यही कि ओजोन परत किस मंडल में, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है, तो 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना। समताप मंडल में सर्वाधिक इसका जो सांद्रण रहता है वो 12 से 35 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, और ओजोन परत में सूर्य की 90% जो पराबैंगनी किरणें हैं ये अवशोषित करती है ओजोन परत। इस गैस के परत के अभाव में जीव मंडल में किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस ओजोन परत के अभाव से सौर्य विकिरण की सभी पराबैंगनी किरणें भूतल तक पहुंच जाएंगी, जिस कारण भूतल का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि जीव मंडल या जैविक भट्टी में बदल जाएगा। सर्वप्रथम जोसेफ फर्मन ने वर्ष 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रस्तुत किया है। किसने किया है? जोसेफ फर्मन ने 1985 में। अम्लीय वर्षा, जल वर्षा के साथ अम्ल के अनुपात को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। वर्षा का जल भी पूर्णतः क्या नहीं होता? शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा जल में विलयन हो जाता है, जिस कारण वह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। 7.0 पीएच मान वाला जल तटस्थ जल कहलाता है। 7 से कम पीएच होने पर जल अम्लीय तथा होने पर जो है क्षारीय हो जाता है, अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। तो जब जल का पीएच 4 से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जल का जो पीएच मान है कितना, पीएच मान जो है हानिकारक होता है, तो वो 4 पीएच से कम। ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण दो वायु प्रदूषकों का एक साथ आना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 मिलकर एसिड बनाते हैं पृथ्वी पर, इसका प्रभाव अम्ल वर्षा कहलाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है अम्ल वर्षा में, कि अम्ल वर्षा में जो प्रमुख दो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारक जिम्मेदार है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत ज्वालामुखी का फटना, प्राकृतिक वनस्पतियों का जैविक अपघटन है। ठीक है, वैश्विक ग्लोबल तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण के कारण वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापन औद्योगिकरण के साथ
प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसकी तापन दर में उतार चढ़ाव आता है। वैश्विक तापन में अवशोषित ऊर्जा और रक्त किरणों के रूप में वापस परावर्तित होती है। इसमें से कुछ विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार आने वाली कुल ऊर्जा का संपूर्ण भाग वापस अंतरिक्ष में नहीं पहुंचता। ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड हैं, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। इनके कारण क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो रहा है ना, और जो तापन है विकिरण वायुमंडल गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है। वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का जो अवशोषण है अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। ये गैसें ही ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के गर्म होने की यह क्रिया हरित गृह प्रभाव या फिर क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प का योगदान लगभग 2/3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 होता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें देख लेते, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा जल वाष्प। अब यहाँ से ये पूरी की पूरी क्या दी हैं, ग्रीन हाउस गैसें दी हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों को तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसों से, है ना। निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रकार से दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फंस जाता है, तो इनको याद रखना है। हरित गृह देख लो, ग्रीन हाउस ऊष्मारोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिनकी छतें कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती हैं। सूर्य का प्रकाश कांच की दीवार को पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश तो करता है, इस कमरे से ऊष्मा बहुत कम मात्रा में निकल पाती है। इससे कमरे की जो ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस क्रिया द्वारा ठंडे मौसम में कमरे में ग्रीष्मकालीन ऋतुओं में पैदा होने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इस विधि से वायुमंडल का तापमान जो है इस प्रकार से 0.05-0.07 बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों आपने देखे होंगे कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है या हरित गृह जो होते हैं वो बने होते हैं या सफेद प्लास्टिक से या फिर कांच नुमा बने होते हैं, जिससे क्या होती है कि ऊष्मा अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती, जिससे इनका जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हैं, है ना, फल फूल हैं, वो इस मौसम में भी क्या होते हैं, उगाए जा सकते हैं। पॉलीथिन प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटन या अपमार्जक देखें तो प्लास्टिक तथा पॉलीथिन के प्रयोग से पर्यावरण में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इनके प्रयोग से सांस और त्वचा संबंधी रोग तेजी से क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। प्लास्टिक और पॉलीथिन भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर रही है, साथ ही पॉलीथिन देश में गिरते भौम जल स्तर की एक बड़ी वजह साबित हो रही है। पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु इनका कम प्रयोग पुनर्चक्रीकरण के द्वारा इस समस्या का निस्तारण है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव देखो। जीवाश्म ईंधन मुख्यतः कोयला, डीजल तथा पेट्रोल है। कोयला कार्बन का यौगिक है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, कोयला किसका यौगिक है, तो ये कार्बन का यौगिक है। निम्न में से बताइए कौन से जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, डीजल है, पेट्रोल भी है। ठीक है, यहाँ याद रखना है, तथा इसमें आदहन करणीय खनिज गंधक तथा नाइट्रोजन भी होते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन गंधक तथा नाइट्रोजन से बनता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से विभिन्न ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि बनते हैं। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कौन कौन से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, तो कोयला, डीजल और पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण माने जाते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इनमें से जो है SO2
SO3 और NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा से पौधों को हानि होती है, मृदा से पोषण तत्व निकल जाते हैं, मछलियों का प्रजनन रुक जाता है और झीलों तथा तालाबों में जीवन कठिनाईपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वो जो मंज इमारतें होती हैं उनका भी क्षरण होने लगता है। CO बहुत अधिक विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो श्वसन में अवरोध पैदा करती है। खनिज के सल्फाइड्स के दहन से पारा निकलता है। अधजले हाइड्रोकार्बन अनेक प्रदूषक उत्पादित करते हैं जो गैसीय या कणिकामय होते हैं। कणिकामय प्रदूषण कैंसर रोग उत्पन्न करते, इसलिए इन्हें कैंसर जो है जन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि ये आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन ऐसा प्रबंधन होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को ऐसे तरीके से करता है कि वे वर्तमान में और साथ ही भविष्य में मानव की जरूरत को पूरा करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से यह सुनिश्चित होता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, ना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को मिले। संसाधनों का उचित दोहन, जब हम संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति से इनका ह्रास होने लगता है। इससे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरणतः जब हम खुदाई से प्राप्त धातु निष्कर्षण करते हैं तो साथ ही साथ अपशिष्ट भी प्राप्त होता है, जिनका निपटारा नहीं करने पर पर्यावरण दूषित होता है, जिसके कारण बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली पीढ़ियों के हैं। जीवाश्म ईंधन कोयला डीजल और पेट्रोलियम। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम डीजल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इनका उपयोग हम औद्योगिक क्रांति के समय से ही कर रहे हैं। साथ ही इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोग पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। वर्तमान में हम अपनी ऊर्जा का खपत 70% भाग कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर है। कितने प्रतिशत? 70%, आपको याद रख लेना है। कोयला डीजल और पेट्रोलियम ईंधनों का संरक्षण, तो कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। अतः हम चाहे जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और तब हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों हम अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर पढ़े हैं। जो कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बताना है। तो आप सभी तैयार होंगे और अभ्यास प्रश्न जो है आपको बताना है। चार विकल्प होंगे, चार में से एक का चयन करना है। वनों की कटाई के प्रमुख कारण है तो क्या है? शहरीकरण है, कृषि आधारित उद्योग है, ईंधन की मांग है, या फिर सभी है? वनों की कटाई का प्रमुख कारण बताना है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, तो सभी लोगों को पता है शहरीकरण भी है, कृषि आधारित उद्योग भी है, ईंधन की मांग भी है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही है। ठीक है, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जल संसाधनों की कमी, बाढ़ एवं सूखा, या फिर सभी? तो वनों की कटाई के प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव है? प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर, उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ए सभी, डी नंबर। निम्न में से शहरीकरण के प्रभाव हैं, तो शहरीकरण के प्रभाव हैं कौन कौन से? पानी की कमी, आवास की समस्या, अच्छा रहन सहन स्तर, या उपरोक्त सभी? शहरीकरण के प्रभाव हैं तो आपका बिल्कुल सही है, पानी की कमी, आवास की समस्या, अच्छा रहन सहन स्तर, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है, जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है कहलाता है, क्या कहलाता है वह परिवेश? मानव पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, या कृत्रिम पर्यावरण? प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण, वी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है बताना है आपको,
साफ सफाई की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, कचरा निस्तारण या अच्छे विचार की संभावना। प्रश्न क्रमांक 5 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, अच्छे बाजार की संभावना, डी नंबर। ठीक है, निम्न से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर मीथेन। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है मीथेन। मीथेन यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, परावैगनी किरणों को, एक्स किरणों को या फिर बीटा किरणों को। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी, परावैगनी किरणों को। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 25 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा 16 सितंबर, बी नंबर। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, पेड़ पौधों से निकली गैसें या फिर रसोई गैस। प्रश्न क्रमांक 9, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैसें, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो किस चीज का अवशोषण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलना, ए नंबर। वातावरण अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 12, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा SO2। SO2 यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 और उत्तर आपका हो जाएगा 5 जून। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो कौन है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वायु प्रदूषण, विश्व ऊष्मायन का कारण माना जाता है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले या चमड़े के थैले, तो किसका प्रयोग रोकता है? प्रश्न क्रमांक 15 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्लास्टिक के थैले, वी नंबर। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कौन है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। प्रश्न क्रमांक 16, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्लास्टिक, डी नंबर। सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरोमीथेन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह वर्षा को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है या वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। तो क्या करता है, उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है, सी नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? वायुमंडल में O3 की परत, पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश, वायुमंडल में CO2, SO2 तथा CH4 के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? प्रश्न क्रमांक 18, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वायुमंडल में CO2, SO2 तथा CH4 के कारण, ठीक है, सी नंबर। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है तो किस कारण हुई है या कहां पर हुई है? तो कहां पर हुई है, अंटार्कटिका में, सी नंबर।
ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा? रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करती है, यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 21 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा आपका कि ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। वी नंबर। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी नंबर। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण है? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है तो मरुस्थलीकरण के कारण। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? इसका सांद्रता बहुत हो गई, इसका कारण है इन सभी के कारण। रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल और कोयलों की अधिक ज्वलन, वनों का कटान, इन सभी के कारण। इनमें से किससे प्राकृतिक प्रदूषक होता है? जंगल की आग से, धुएं और कोहरे से, वायुमंडल में NO2 की उपस्थिति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 25 का आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा किससे प्राकृतिक प्रदूषक होता है। 25 आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जंगल की आग से। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन भी चल रहा है, शाम को 6:30 बजे टेस्ट सीरीज भी आपकी निरंतर चल रही है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी देखें, पर्यावरण का अध्ययन भी देखें। रात में 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है, तो वो भी आप जो भी हिंदी वाले हैं वो जरूर देखें। वीडियो को सभी लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। ठीक है, सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो देखना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।